रोहित, अजय देवगन के साथ आपका जो एसोसिएशन है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. आपने कई फिल्में बनाई हैं, सिंघम 1 और 2 दोनों काफ़ी हिट रही हैं. तो सिम्बा के बाद क्या आप अजय देवगन के साथ फिर से शुरू करेंगे फ्रेंचाइज को? हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, अब कौन सी पहले बनाएंगे. इतनी फ्रेंचाइजीज बन गई है ना कि गोलमाल करें या सिंघम करें. वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट और प्लानिंग चल रही है. एक बार वो डिसाइड हो जाएगा डेफिनेटली कोई एक फिल्म बनेगी, या तो सिंघम बनेगी या तो गोलमाल बनेगी, या हो सकता है कोई और अजय सर के साथ फिल्म बने. अभी हम वो डिस्कशन स्टेज पे, वो प्रोसेस में, क्योंकि अभी गोलमाल पिछले साल अक्टूबर में आई है. तो वी आर जस्ट स्टिल थिंकिंग कि अब हम जो साथ में आए तो क्या लेके आए. अच्छा रोहित, इस सबसे हटके एक सवाल कि आप टेलीविज़न भी कर रहे हैं काफ़ी. अभी हाल ही में एक रियलिटी शो ख़त्म किया है आपने, अब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. आप तो ऐसा बिहेव करो, डेली साथ में तो रहते थे वहीं. जी बिल्कुल. रोहित, मैं जानना चाहता हूँ कि टेलीविज़न में जब एक्टर्स काम करते हैं तो आपने करीब से देखा होगा कितना स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि घंटों घंटों काम करना पड़ता है उन्हें. हाल ही में कपिल शर्मा का मामला आया कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और वापस दोबारा उन्होंने वापसी की है, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी डिप्रेशन में है. वो एक अलग चीज़ है, उसको इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों के साथ क्या डिस्कस करें. डिप्रेशन को क्या डिस्कस करना है बच्चों के साथ, इट मेक्स नो सेंस ये इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे ऐसा लगता है. ओके रोहित सर, हाय, विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन आपके सामने. या हाय विकास. या रोहित सर, अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत अलग अलग तरह के बच्चे हम लोगों ने देखे हैं, कोई शांत है, कोई मस्ती करने वाला है. आपका बचपना कैसा था, मतलब? मेरी जवानी नहीं देखी. कैसी थी बचपना? तो वैसे ही था, एक अलग एटमॉस्फेयर था घर पे, क्योंकि डैड एक्शन डायरेक्टर थे एंड एक फिल्मी माहौल था. और बचपन से ये था कि फिल्म में ही आना है, एक्शन ही करना है. बट इट वाज एन एडवेंचरस. आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं ज़्यादा शरारती नहीं था, बट जो लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे, जो काम सीखा है, सो व्हेन आई लुक बैक आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट to be in this industry since I was born. रोहित सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है सवाल, लेकिन ये डिप्रेशन को लेकर नहीं है, बस इतना मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हर शख्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं. किस तरीके से बुरे दिन में अपने आप को मेंटेन किया जाए, रोहित सर, अगर कुछ इस पर आप कमेंट कर पाएँ तो. आई थिंक फेज है, पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, दैट्स इट. थैंक यू सर. आप जस्ट एडिंग ऑन, रोहित सर एक सवाल, आपने गाड़ियाँ उड़ाई है अपनी लाइफ? बच्चों के सामने नहीं. ओके जस्ट, अरे मैं तो इतना बदनाम हो गया, मैंने अभी एक वीडियो देखा, कोई पाइप फटा और एक बलेरो उड़ गई. तो नीचे लिखा है रोहित शेट्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर सिम्बा. मैं इतना बदनाम हो गया, मतलब स्कॉर्पियो देखते हैं तो मेरा नाम याद आता है. एयरपोर्ट पे उतरो, कोई स्कॉर्पियो देखेगा फॉरनर, तो उसको रोहित शेट्टी बोलेगा कि ये रोहित शेट्टी जा रहा है. ऐसा हो गया मेरी हालत, तो मैं क्या बोलूं.